हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। ये देखो यहाँ पे फटा हुआ है वेलो, ठीक है। इसको बूट बोलते हैं, तो इसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में आज बताऊंगा। ये गाड़ी फोर स्टॉक गाड़ी है, यहाँ पे देख लो। और जब भी आप चेंज कर रहे हो तो एक साइड में उठाना पड़ता है, जिस साइड का चेंज कर रहे हो, राइट है तो लेफ्ट में। तो मैं ये लेफ्ट साइड का खोलने जा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड का मैं उठा के लिया हूँ एक साइड में। तो अभी ये वेलो खोलेंगे तो आप लोग को कम दिखता रहेगा, तो इसीलिए मैं ये टायर को निकाल के लेता हूँ, जिससे आप लोग को बराबर दिखे कैसे चेंज करना है। तो मैं ये साइड में निकाल देता हूँ टायर। ये देखो दोस्तों, मैंने टायर निकाल दिया है, क्योंकि आप लोग को बराबर नहीं दिख रहा था, इसीलिए मतलब मैं टायर निकाल दिया, आपको बराबर दिखना चाहिए। तो अभी क्या करना है बेलो निकालने के लिए, तो आगे एक नट है हाउजिंग में, वो खोल के लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ नट कौन सा है। दोस्तों ये नट खोलना है, ये 19 नंबर का नट है, एक्सल इसमें लगा हुआ है अंदर से। ये देखो यहाँ पे, ये आपको दिखता नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे 22 नंबर का पाना लगाना है, रिंग पाना, और यहाँ पे 19 नंबर का लगा के लेना है। और मैं एक साइड में उठा दिया हूँ, ये देखो स्टैंड लगाया हूँ, और आपके लिए टायर भी निकाल दिया हूँ, जिससे आप लोग को बराबर दिखे। ये नट खोल के लेना है, तो अभी मैं ये नट खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। दोस्तों ये 19 का रिंग पाना है, और ये 22 का रिंग पाना खोल के लेना है। 19 का पाना यहाँ पे लगाना है, 22 का पीछे साइड में। अभी रॉड को इसमें लगा देना है यहाँ पे। दोस्तों ये रॉड ऐसा लगा देना है, जिससे एक्सल पॉपुलर शॉप निकालने में प्रॉब्लम ना हो। देखो मैं इसको अच्छे से ये लगा दिया है। दोस्तों अभी ये एक्सल निकालना है, तो एक्सल कैसे निकालना है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों अभी ये दोनों बुट निकाल के लेते हैं साइड में, उसके बाद कैसे इसको निकालना है बाहर एक्सल को, वो भी दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इसको अच्छे से मैंने निकाल दिया दोनों। अभी क्या करना है, ये इस साइड हाउजिंग है ना, इसको जरा ऐसा ढकेल के एक्सल को निकालना है। ये देखो दोस्तों, मैं हाउजिंग को बाहर की तरफ ढकेलता हूँ, ठीक है, बाहर की तरफ खींच के और एक्सल निकालता हूँ। इस तरह निकालना है एक्सल को। अभी मैं इसको ट्रे में रखता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने इसको एक्सल को निकाल दिया है, ट्रे में रख दिया हूँ निकाल के। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कप के अंदर जो डॉलर रबर रहता है उसको निकाल देना है। आपके पास स्क्रू ड्राइवर रहेगा तो स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं, ऐसा डॉलर रबर रहता है, इसको निकाल के लेना है। अभी ये साइड का भी निकाल के लेना है डॉलर रबर। ये देखो दोस्तों, ये दोनों डॉलर रबर इसको निकाल दिया। इसको कभी भी आप एक्सल खोल रहे हो तो इसको निकाल देना है, क्योंकि ये चलने लायक नहीं रहता है, 10-20 रुपए का डॉलर रबर रहता है, क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए इसको चेंज कर देना है डॉलर रबर को। और दोस्तों कभी भी आप इसका काम कर रहे हो तो इसको अच्छे से मतलब एक ट्रे के अंदर निकाले, जिससे क्या हो बाहर गंदा ना हो। अभी इसका चौकड़ी निकाल के लेते हैं। ये देखो ये चौकड़ी है, ये देखो एक साइड में दो पीस रहते हैं, ये देखो। ये देखो दूसरे साइड में यहाँ पे भी दो है, तो ये आप निकाल दिए इसको अच्छे से। अभी ये जो फटा हुआ बूट है, ये बूट को भी निकालना है, तो मैं इसको स्क्रू ड्राइवर के मदद से निकालूंगा। और ये कभी भी पिन नहीं निकालना है आपको, क्योंकि पिन निकालोगे तो पिन ख़राब हो जाता है बार बार निकालने से, तो पिन के पिन लगा हुआ रहेगा तभी ये बेलो को निकालना है, ठीक है, ये बूट को। देखो दोस्तों अभी मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे निकालना है स्क्रू ड्राइवर से। ये फटा हुआ था इसीलिए हाथ से निकल गया, नहीं तो इसको ड्राइवर से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे फटा हुआ था इसीलिए हाथ से निकल गया, तो अभी फिट करेंगे इसको। पहले फिट करने से पहले इसको अच्छे से साफ करके लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से जो ग्रीस है ये सब साफ करके लेता हूँ, और आप भी जब भी इसको खोले तो पूरा साफ करें, ठीक। तो अभी मैं ये सब साफ करके लेता हूँ। और जो कफ है यहाँ पे दिखाओ जरा, ये जो कफ है ना दोनों साइड का, उसको भी साफ करके लेता हूँ।
इसको भी अच्छे से साफ करके लेंगे, जो इसके अंदर अंदर ग्रीस लगा हुआ है इसको अच्छे से क्लीन करके लेंगे। तो अभी मैं इसको सब अच्छे से साफ करके लेता हूँ, फिर आगे का वीडियो दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इसको साफ करके लिया है, क्योंकि आप लोग को सब पता रहना चाहिए काम के बारे में। तो ये देखो मैंने कप को अच्छे से साफ कर लिया है, यहाँ पे देखो अच्छे से इसको साफ कर लिया। और जो जूना वाला बेलो था और डॉलर रबर यहाँ पे रखा है, तो मैंने इतना मेरे को लगा साफ करने में, कपड़ा भी लगा साफ करने में, तो ये सबको मैं साइड में रख देता हूँ। तो अभी इसको कैसा फिट करना है वो आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। और ये जो चौकड़ी है ये जल्दी ख़राब नहीं होता, बजाज का ओरिजिनल है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होता। आप ये पिन कभी भी बूट चेंज कर रहे हो और आप ये पिन बार बार इसको निकाल रहे हो तो ये चौकड़ी ख़राब हो सकता है और इसमें एक्सेल में प्ले आ सकता है पॉपुलर शॉप में। तो कभी भी आप बेलो डाल रहे हो, मतलब बूट आप डाल रहे हो, तो ये पिन को नहीं निकालना है, इससे क्या होता है एक्सेल ख़राब हो जाता है। तो अभी ये चौकड़ी देख लो अच्छा है, इसको टाइम पे 5000 पे ग्रीसिंग करते रहोगे तो चौकड़ी ख़राब नहीं होएगा। और जो डॉलर रबर रहता है, ये देखो डॉलर रबर है, इसको हर 20000 पे चेंज करना है, 20000 पे इसको चेंज करोगे तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी इसको फिट करते हैं इसके अंदर बेलो, बूट फिट करके लेते हैं इसके अंदर। तो देखो किस तरह से मैं फिट करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। और ये है बूट है, बजाज का ओरिजिनल बूट है, तो इसको इसका जो पार्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो पार्ट नंबर देख के। तो अभी इसमें मैं फिट करता हूं। थोड़ा सा ऊपर लो, बस बस। ये देखो दोस्तों ऐसा स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे बूट के अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा लगा के फिर चढ़ाना है बूट को, ये देखो इस तरह से इसको चढ़ाना है एक्सल में, एक्सल के अंदर बूट को ऐसा फिट करना है और यहाँ से ऐसा प्रेस करके दबाना है और फिर स्क्रू ड्राइवर डाल के दोस्तों ये देखो इस तरह से फिट हो चुका है इसके अंदर। ये देखो ये इजी फिट हो जाता है, उससे क्या होता है कभी जल्दी पिन खराब नहीं होता है, क्योंकि पिन निकालोगे तो खराब हो जाएगा। तो ऐसा बूट चढ़ाना है, थोड़ा सा आपको मतलब एक साइड में यहाँ पे पकड़ के रखना है पैर से। तो अभी मैंने इसको अच्छे से बैठा दिया हूँ, अब इसके अंदर चौकड़ी लगाते हैं और फिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रे में रख देता हूँ, देखो दोस्तों मैंने अच्छे से चौकड़ी दोनों फिट कर दिया है। अभी डॉलर रबर फिट करेंगे कप के अंदर। दोस्तों कभी भी डॉलर रबर फिट कर रहे हो तो थोड़ा कप के अंदर ग्रीस लगा के तब फिट करना है। तो मैं कप के अंदर ग्रीस लगा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ग्रीस अंदर डाल देता हूँ, ये देखो। अब ऐसे दूसरे साइड में भी डालते हैं, देखो दोस्तों दोनों कप में मैंने ग्रीस डाल दिया हूँ अच्छे से। अभी डॉलर रबर फिट करेंगे, तो ये डॉलर रबर यहाँ पे कप में फिट करेंगे, देखो इस तरह अंदर फिट कर दिया है डॉलर रबर, और ये साइड में भी फिट करके लेंगे। तो मैं अच्छे से इसमें डॉलर रबर डाल दिया हूँ, अभी एक्सल को फिट करना है। तो एक्सल को फिट करने से पहले एक साइड में यहाँ पे एक्सल डाल देना है अंदर, और दोनों देखो ऐसा प्लेन रहना चाहिए दोनों, तभी डालना है उसके अंदर बराबर मैचिंग करके। तो ऐसा प्लेन रहना चाहिए, ऐसे प्लेन करके दोनों को भी खाचा ऐसा प्लेन रहना चाहिए तब फिट करना है। तो ये साइड में फिट करना है, ये वाले कप में ये एक्सल को ये वाले कप में पहले फिट करना है, उसके बाद ये साइड का हाउजिंग बाहर की तरफ हिंच के
फिर इसमें दूसरा वाला एक्सल का मुंह है उस तरफ फिट करना है, ठीक है। तो आपके आप टायर लगा देना जिससे आपको खींचने में तकलीफ ना हो, टायर लगा के आप बाहर की तरफ खींच सकते हो। तो अभी मैं एक्सल फिट करता हूँ। ये देखो दोस्तों, एक्सल यहाँ पे फिट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक साइड मैचिंग हो चुका है, अच्छे से बैठ चुका है। अब दूसरा साइड में फिट करेंगे तो हाउसिंग को बाहर की तरफ खींच के। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा फिट किया हूँ, अभी मैचिंग नहीं किया हूँ। तो अभी ये बाहर की तरफ खींच के अच्छे से ये टायर को आप घुमा लेना, टायर को घुमा के फिट करना है। ये देखो दोस्तों, मैंने मैचिंग कर लिया और इसको अच्छे से फिट कर दिया। तो इसको यहाँ पे निप्पल रहता है जो ग्रीस बाहर निकल रहा है, इसमें नहीं था। तो अभी फिलहाल लगा देंगे हम बाहर। तो देखो इस तरह से ये एक्सल बैठ जाता है। एक्सल बैठाने के बाद थोड़ा थोड़ा बूट के अंदर ग्रीस भर के लेना है ये बेलो के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। तो देखो दोस्तों, इतना सा लेना है ग्रीस और बूट के अंदर फिट करना है, थोड़ा सा आधा और आधा कप के अंदर। इस तरह से इसके अंदर डाल के लेना है और ये बूट को चढ़ा देना है। ये साइड का बूट चढ़ चुका है, अभी ये साइड का फिट करेंगे। टायर को घुमा के ऐसा ग्रीस भरना है इसके अंदर और ये बूट को चढ़ा देना है, ठीक है। बूट में ग्रीस अभी भर चुका हूँ, इसको चढ़ाना है बूट को। जो बाहर ग्रीस है उसको अच्छे से साफ करके लेना है। देखो दोस्तों, जो बूट के ऊपर ग्रीस लगा था उसको मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, अभी एक्सल फिट करके लेंगे। ये देखो दोस्तों, ये एक्सल है, इसको फिट करके लेंगे, जैसे निकाले थे वैसे ही फिट कर देंगे। दोस्तों ये एक्सल है, इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा के लेना है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा देता हूँ, ठीक है, जिससे ये खराब ना हो एक्सल। अभी इसको फिट करके लेते हैं। तो इस तरह से ग्रीस लगा के लेना है, अभी इसको फिट करते हैं, पीछे की तरफ से एक्सल डाल के फिट करते हैं। तो मैंने अच्छे से एक्सल फिट कर दिया है, अभी ये स्प्रिंग वॉशर और ये 19 नंबर का नट फिट करेंगे। ये देखो दोस्तों, अभी ये नट टाइट करके लेते हैं। तो ये रिंग पाना 22 का और 19 का, तो 22 का पीछे साइड रिंग पाना लगाना है और 19 का आगे की तरफ, ये लगा के इसको टाइट करना है 19 का पाने से नट को। तो ये नट अच्छे से टाइट हो चुका है और आप इसको गाड़ी को नीचे उतार के टाइट करके भी ले सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको बेलो की तरफ दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, बेलो अच्छे से फिट हो चुका है, इस तरह से आपको भी फिट करके लेना है कभी भी आपका बेलो फटता है। तो दोस्तों वाकई आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, तो ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर कमेंट करना। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और ऐसे नए नए वीडियो आप लोग के लिए मैं लाते रहूँगा। तो गुड बाय दोस्तों।